अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों उसमें बेटा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? रॉयल किचन। आज हम जा रहे हैं जी रॉयल किचन, अफ्तार बुफे है वहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं। आज बच्चों ने कहा जी बाबा हम बाहर अफ्तारी करते हैं, तो चले जी। तो बच्चों की माननी पड़ती है, आपको पता है एज ए पेरेंट्स हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप घर में भी कर सकते हैं, नो इशू। और बच्चों के साथ चलते हैं, अभी 15-20 मिनट रह गए हैं। उसामा रेडी हो गया है और हलीमा भी रेडी माशाल्लाह हो गई है, और मैंने भी कुछ चेंज करना है कपड़े, तो चेंज करते हैं उसके बाद सीधा वहीं पे मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। चलें जी हम लोग सीधा रॉयल किचन चलते हैं चेंज करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, काफ़ी डिशेस थी और जो है टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हासिलपुर में रहने वाले हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे एक दफ़ा बुफे ट्राई करें। आप तो एक दो रोज़े रह गए हैं तो माशाल्लाह खाना अच्छा है, वैसे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर मैं इसके बुफे पर हेड की बात करूँ तो 1250 पर हेड बुफे है और रीज़नेबल है, और आपको तकरीबन 30 डिशेस आपको मिल जाती हैं। उसमें डेजर्ट भी है और फास्ट फूड भी है, राइस भी हैं और चिकन वाइट कढ़ाई, अदर कढ़ाइयाँ, दही बड़े, पकौड़े, समोसे, रोल, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया खाना खाने खाना खाकर, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। ठहरिए ठहरिए, तो बॉय मिले बेटा पीपल इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। ये थी मेरी आज की वीडियो और यहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा है, उसके लिए माजरत।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी दुआ करें। अभी भी मैं हॉस्पिटल के अंदर ठहरा हुआ हूँ, तो अफ्तारी से फिर हम लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। वीडियोज़ आप लोगों ने देखी है कि किस तरह मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए दुआ करें। और मेरी दो बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी ज़ैनब है और एक सबसे छोटी बेटी आमना है, दोनों की आजकल तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।